नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मामला थाना तिलहर के डभोरा गांव का है, जहां की शबाना का आरोप है कि उसका निकाह पति नवाब हसन से 6 साल पहले हुआ था। इस दौरान वे 3.5 साल धनोरा गांव में रही, जहां एक बेटा पैदा होने के बाद पति नवाब दान दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद उसको घर से निकाल दिया गया। घर से शबाना को निकालने के बाद पति नवाब हसन ने दूसरी लड़की से निकाह कर लिया। जब शबाना को इस बात की जानकारी हुई तो वे वहां आकर उसने हंगामा करते हुए इसका विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट करते हुए उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज, पति समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है। गिरफ्तारी न होने से नाराज शमाना ने SP से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि नरेंद्र मोदी और CM योगी 3 तलाक के मामले में हम लोगों को न्याय दिला रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उसने CM योगी से न्याय की उम्मीद लगाई है। शाहजहांपुर का ये पहला मामला नहीं है, जहां 3 तलाक दिए बगैर मुस्लिम दूसरा विवाह कर रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस कार्यवाही नहीं कर पा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में शबाना को न्याय दिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। यही मांग है, वो कहते हैं मतलब कि लड़का लड़की को इस देश में बराबर का वो होना चाहिए, कोई भी महिला परेशान नहीं होनी चाहिए। तलाक बंद कर रहे हैं, अब तलाक होने से पहले ही अब लोग तलाक नहीं दे रहे हैं, मुंह पे खुल के तब भी शादी दूसरी कर ले रहे हैं, कैसे कर ले रहे हैं। अभी 15 दिन हुए हमारे, हर तारीख पे हाजिर हो रहे हैं हमारे पति, हर तारीख पे हमारे पति हाजिर हो रहे हैं। जब भी शादी कर लिया हमें, ये मेरा बेटा है 5.5 साल का हो गया, 6 साल का लगभग 6 साल में चल रहा है, मुकदमा करवाया तो वहाँ पुलिस उठा नहीं रही है उनको। अब शादी करके के बावजूद खुला रह रहे हैं, मतलब कोई क्या लगता है आपको, योगी और मोदी के जो आदेश हैं 3 तलाक को लेकर, उस पर पुलिस नहीं चल रही है? नहीं चल रही है पुलिस, वो तो कह रही है अभी आपको तो, जैसे TV चैनल के माध्यम से आप CM योगी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, या तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, नहीं इंसाफ मिलना चाहिए बिल्कुल भी। एक हम नहीं, मतलब कि काफी ऐसे लड़के केस चलते रहेंगे, दूसरी करके घर में बैठ जाएंगे, ले आएंगे चैन से रहेंगे, और हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे आए दिन, सालों हो जाती है पता ही नहीं चलता है। बगैर तलाक दिए ऐसे किया? अब इसके हाँ कह रहे कि हम अपने शरीयत के हिसाब से, मुल्ला लोग कह रहे शरीयत के हिसाब से हम 4 शादी कर सकते हैं, तो जब मुल्ला ही ऐसे करें तो आम जनता क्या करेंगे, ये तो बताइए हमें। क्या मांग है आप, क्या मांग है? आए दिन इतना जेवर दो, इतना पैसा दो, आए दिन यही मांग। इसको निकालते बैठलते कई साले हो गए, इसको बैठे 5.5 साल का बेटा। अब आप क्या मांग है आपकी पुलिस से, क्या चाहते? पुलिस से मेरी ये मांग है, इसके